वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। ये इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की वोटिंग में, अब ये तस्वीर इस वक्त की खबर, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। लखनऊ सीट से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं। पंकज झा हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं लखनऊ से एक बार फिर, बीजेपी के उम्मीदवार। वहां पर लखनऊ सीट को लेकर क्या हलचल वोटर्स में नजर आ रही है, वोटर्स का रुझान क्या कहानी कह रहा है? देखिए अगर हम लखनऊ की बात करें समीर, तो देखिए लखनऊ बहुत कंफर्टेबल सीट रही है अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनके जमाने से, उसके बाद ये बीजेपी के लिए एक तरीके से ना लखनऊ गढ़ माना जाता रहा है। अभी राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ गोमती नगर में पहुंचे हुए अपने परिवार के साथ, बड़े बेटे उनके पंकज सिंह विधायक पहले वोट डाला है, उनके साथ छोटे विधायक नीरज भी। हम अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ इस बार क्या है, पिछली बार करीब 3.5 लाख वोटों के अंतर से उनकी जीत हुई थी, इस बार समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा उनके खिलाफ है, और इस बार उनकी तैयारी राजनाथ सिंह के खुद की और बीजेपी की जो उनके प्रबंधन तंत्र में लगे हुए हैं कि कम से कम ये आंकड़ा जो है 5 लाख के पार जाए। लेकिन जिस तरीके से 9 बजे तक वोटों के प्रतिशत का रुझान आया, जो अभी तक वोटिंग हुई है, वो थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है। आज जिन 14 लोकसभा सीटों पर यूपी में मतदान हो रहा है उसमें गोंडा के बाद सबसे कम अगर मतदान हो रहा कहीं तो लखनऊ की है। तो अगर वोटर लखनऊ में बाहर निकल कर वोट कर पाएंगे उसके हिसाब से ही तय हो पाएगा कि जीत का अंतर क्या है, वरना ये बहुत कंफर्टेबल सीट है बीजेपी के लिए और राजनाथ सिंह के लिए। लेकिन इसकी वजह आपको क्या लगती है, ग्राउंड रियलिटी क्या देख रहे हैं इस बार, क्यों, हालांकि ये अभी दिन की शुरुआत है, देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से वोटर्स रुक करते हैं आगे, लेकिन इसकी मुख्य तौर पर वजह क्या समझ पा रहे हैं पंकज जी आप? देखिए ये पहले राउंड से ही वोट प्रतिशत जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ देखिए लखनऊ में 2 लोकसभा की सीटें हैं, मोहनलालगंज में 13% मतदान हुआ 9 बजे तक, लेकिन लखनऊ में देखें तो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, यानी रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं, शहरी इलाकों में कम पड़ रहे हैं। और उसके पीछे अगर ये कहा जाए कि गर्मी वजह है तो फिर रूरल एरिया में कम पड़ना चाहिए था, इसका कोई ठीक ठीक वजह अभी कह पाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पेश जी आप किस तरह से देखते हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर, तमाम तरह के स्पेकुलेशंस किए जा रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा आया अब तक के 4 चरणों का अगर हम उसका औसत निकाल लें तो वो 67% के करीब है। चुनाव आयोग और तमाम बड़ी शख्सियतें ये कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें, और लखनऊ ने 2019 में भी मुझे याद आ रहा है लखनऊ सीट के वोटर्स ने बड़ा उदासीन रवैया दिखाया था, इस बार भी आलम कुछ ऐसा ही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि रवैया उदासीन है, मगर मुझे लगता है कि जो मतदान का प्रतिशत घट रहा है वो निरंतर घट रहा है, उसके अनेक कारण हैं। मुझे लगता है एक तो इस चुनाव से उन मुद्दों का अदृश्य रहना है जो युवा पीढ़ी को उत्तेजित करते हैं, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इन सब को लेकर थोड़ी असुरक्षा का भाव है। मगर जहाँ जीत और हार का जो हाशिया है वो 5 लाख का रहा हो, वहाँ मतदान कितना भी कम हो, मुझे लगता है कि बहुत चिंताजनक ये सीट न राजनाथ जी के लिए न भाजपा के लिए होनी चाहिए। बट पुष्पेश सर, हर बार कोशिश तो यही की जाती है कि जीत के मार्जिन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, और जाहिर सी बात है अपने काम के बलबूते अगर ये दावे भी किए जाते हैं तो वोटर्स और वोटर्स का रुख लखनऊ सीट को देखते हुए क्या है, वो तो डिपेंड करेगा ना वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से। नहीं जी, बिल्कुल करेगा, और मुझे लगता है 2 बातों के बारे में टिप्पणी में करना और चाहूँगा कि राजनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं, किसानों से सीधा नाता है, उनका अपना परिवेश ग्रामीण भी है, मगर पिछले कुछ दिनों से उनके चाहने वाले और समर्थकों के मन में ये असंतोष भी है कि उनका थोड़ा कद घटाने की कोशिश की गई है, गृह मंत्रालय से वो रक्षा मंत्री बने और उतना प्रमुख रूप से वो मंच पर नहीं दिखते हैं जितना और मंत्री दिखते हैं, अमित शाह दिखते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं दिखते हैं, अध्यक्ष दिखते हैं भाजपा के, तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा संतोष तो उन पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के मन में होगा जो बरसों से उनके साथ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं, लखनऊ में उन्होंने अपना वोट डाला है, उनके बेटे पंकज सिंह जो कि नोएडा से विधायक हैं उन्होंने राजनाथ सिंह से पहले अपना वोटिंग राइट जो है उसका इस्तेमाल किया। पंकज झा हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, 2014 और 2019
2019 में लखनऊ सीट से जीत हासिल करने के बाद राजनाथ सिंह संसद पहुंचे। इस बार हैट्रिक के इरादे से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इंडिया गठबंधन कितनी टक्कर देता हुआ लखनऊ सीट पर नजर आ रहा है? जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं रविदास मेहरोत्रा, वो किस कदर टक्कर में नजर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उस हिसाब से अगर देखें नैरेटिव के हिसाब से तो वो टक्कर में हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा ग्राउंड पर। रविदास मेहरोत्रा लखनऊ के विधायक भी हैं, पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के। एक तो उनके नामांकन को लेकर भी बड़ा कशमकश था कि वो लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। आशुतोष वर्मा को भी दे दिया गया था, वहाँ पर सिंबल दे दिया गया था। और जिस तरीके से चुनाव प्रचार होना चाहिए था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ज्वाइंट कैंपेन, वैसा लग नहीं रहा यहाँ पर ज्वाइंट कैंपेन। एक बार सिर्फ अखिलेश यादव ने यहाँ रोड शो किया था, तो मुझे लगता है कि चुनावी मुकाबला एक तरफा जैसा लग रहा है। बिल्कुल पंकज झा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ में। राजनाथ सिंह ने मतदान किया है 2014 और 2019 में। राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से चुनकर सांसद बने, देश की संसद में पहुंचे, देश के गृह मंत्री रहे, अभी रक्षा मंत्री हैं। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को लखनऊ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ जो कि पारंपरिक सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, यहां से अटल बिहारी वाजपेयी चुने गए और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये संसदीय सीट। इस बार इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन के ज्वाइंट कैंडिडेट के तौर पर समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया गया है, जो कि लखनऊ से विधायक भी हैं, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो राजनाथ सिंह का मुकाबला करें। पांचवें चरण की वोटिंग हो रही है और चार फेज के अब तक चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। ज्यादातर सीटों पर 543 में से ज्यादातर सीटों पर अब चुनाव हो चुके हैं और पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अब इसके बाद दो चरण सिर्फ और बाकी रह गए हैं। 25 तारीख को छठे फेज की वोटिंग होगी और फिर सातवें फेज की वोटिंग संपन्न कराई जाएगी 1 तारीख को। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।